अनटिल अनलेस अगर आप मींस में 800 नंबर के ऊपर नहीं जा रहे हो ना, तो लिस्ट में नाम भूल जाओ। अगर 850 या 900 के बीच में नंबर नहीं ला रहे हो तो रैंक भूल जाओ, यू आर आउट ऑफ द गेम ऑल्सो। इवन आफ्टर स्कोरिंग AIR 1 के बराबर पर्सनालिटी टेस्ट में स्कोर करने के बाद, ही वॉज नॉट रिकमेंडेड इन द लिस्ट। सी, इट इज रिटन हियर, ही इज नॉट रिकमेंडेड इन द लिस्ट। व्हाई? द मींस इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस हियर। लुक एट दीज मार्क शीट्स, राइट? जस्ट लुक एट दीज मार्क शीट्स। इवन इस बच्चे के ऑप्शनल में 300 से ऊपर है। सी, 300 से ऊपर ऑप्शन में 155 एंड 151, इट्स बिकम 306, इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपके GS में ये 400 से ऊपर की स्कोर नहीं है, यो GS 1 2 3 4 मिला के 400 से ऊपर का स्कोर नहीं ला रहे हो, तो नॉट इन द लिस्ट। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दोस पीपल हु क्लियर मींस कि दे अंडरस्टैंड सेक्शनल टेस्ट का टाइम कब है और फुल लेंथ का टाइम कब है। इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि एग्जाम देने वाला है 2024 का, राइट? अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू गिव एग्जाम फॉर 2024, आप चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हो। द फर्स्ट कैटेगरी इज समवन हु इज गिविंग प्रीलिम्स कंटिन्यूअसली एंड हैज नॉट बीन एबल टू क्लियर मींस नॉट इवन फॉर अ सिंगल टाइम। मतलब वो लगातार 2 से 3 बार से 4 बार से वो प्रीलिम्स दिए जा रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू क्लियर द मींस, क्लियर द प्रीलिम्स, एंड ही हैजंट रिटन अ सिंगल मींस येट। दूसरी कैटेगरी क्या है? समवन हु इज गिविंग मींस रिपीटेडली and has not able to clear means even for a single time. मतलब क्या वो लगातार means दिए जा रहा है? I have students जो लगातार 2 से 3 से 4 बार तक means दिए जा रहे हैं and they haven't cleared it for a single time. Right? Now there are students जिन्होंने means clear तो किया हुआ है but बहुत ही small margin से, right? For example, if the cutoff is 746, they are clearing means with like 748 number या 78 marks. Only marginally, 20-30 number ke gap se they are clearing the mains and they are sitting in the interview, but they haven't made into the list, right? And the fourth category is ki wo persons, wo aspirants jo ki already service mein hain, they have got the rank, they have got the name in the list, but they are again giving for rank improvement. For example, there are many IPS I have talked about in my previous webinar, inki copy maine aapke samne lai thi, right? There are many IRS who have joined us in the Smash Mains program, right? They are working, they have joined with us in Smash Mains and they are again giving exam for rank improvement, right? So let's understand in detail ki kaise, what are the problems these guys are facing and how they can tackle and how they can utilize these 2 months, that is February and March, which is very crucial for mains and prelims together, right? Let's discuss the testimony of a topper. Let me zoom in for you. Now this is the topper named Akriti Sethi. She is AIR 249, right? Now she has given total 6 attempts. इन्होंने total 6 attempt दिए हैं और पिछले 5 attempt तक इनके prelims ही नहीं clear हो रहा था, right? इनका prelims ही पिछले 5 attempt तक नहीं clear होता। हर 6th attempt में उन्होंने prelims clear किया, फिर mains clear किया उसी attempt में और फिर जाके इंटरव्यू क्लियर करने के बाद शी गॉट रैंक ऑफ 249, राइट? सो लेट्स रीड हर जर्नी। थोड़ा सा ये समझते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी मींस रेडी, राइट? थोड़ा सा ये समझते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस कि कैसे आप इन 2 महीनों में अपने मींस के टच को खो नहीं सकते और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस, राइट? इन 2017 जब उसका पहला अटेम्प्ट था, व्हाट शी डिड इज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने की तैयारी में दे दिया प्रीलिम्स, तो डेफिनेटली वो क्लियर नहीं होने वाला था, राइट? इफ यू सी 2018 में अगेन शी टेस्ट सीरीज और उन्होंने फिर से फेल किया। व्हाई? बिकॉज शी वाज जस्ट रिवाइजिंग हर बेसिक नोट्स एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन। जब तक आप प्रीलिम्स को एक भी बार क्लियर नहीं किया, राइट, एंड यू आर गिविंग अटेम्प्ट्स अगेन एंड अगेन, मतलब क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक नोट्स रिवाइज कर रहे हो, अपने स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज कर रहे हो, और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करने से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर मींस, राइट? इवन इफ आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर लो, मींस नहीं क्लियर होने वाला एंड अल्टीमेटली इट इज द मींस विच गिव्स यू रैंक एंड योर नेम इन द लिस्ट, राइट? इफ यू सी अगेन 2019 में अगेन शी फेल्ड द प्रीलिम्स, 2020 अगेन शी फेल्ड द प्रीलिम्स। Why? Because she was not means ready. She was not means ready.
इफ आई शो यू कि पिछले 4 अटेम्प्ट तक शी वॉज नॉट मेंस रेडी, और 2022 में इन हर फिफ्थ अटेम्प्ट शी स्टार्टेड हर मेंस प्रिपरेशन एक्सटेंसिवली, देन ऑल्सो शी डिडंट क्लियर द प्रीलिम्स. नाउ इन हर सिक्स अटेम्प्ट व्हाट शी डिड इज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी शी हैड रिटन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी शी स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हर नोट्स. लाइक सी हियर, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी शी स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हर नोट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेपरेटली. और तब जाके जब उन्होंने अपने मेंस जीएस मेंस के चारों सब्जेक्ट के मेंस के नोट्स रेडी किए, देन शी क्लियर द प्रीलिम्स आल्सो, क्लियर द मेंस आल्सो, एंड शी अल्टीमेटली गॉट द रैंक इन द लिस्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब तक आपके नोट्स या आपकी तैयारी मेंस रेडी नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स आल्सो. इवन इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द मेंस. और मेंस अगर आप नहीं करते हो, अगेन द साइकिल स्टार्ट्स. What I'm trying to say is कि आप अपनी ये 4 साल का ये जो मेहनत है ना, 4 साल अपने बचा सकते हो. You can come at this point in your first to second attempt only. अपने पहले और दूसरे attempt में ही आप अपने आप को mains ready बना सकते हो, अगर आपके पास right direction है तो, अगर आपके पास right mentorship है तो. Are you getting this or not? कि आप अपने तैयारी को directionless मत करो. It is very high time in these 2 months, February and March, ki people are shifting their focus toward prelims, right? Prelims is unpredictable, yes, but it does not mean ki aap apna sara ka sara focus wahi daal. It means ki aapko prelims ke saath saath apne mains ki preparation ko bhi saath mein rakhna hoga. Otherwise, what will happen is you will lose touch of mains, right? Apne notes ko ready karo. You will be reading a lot in these coming 4 months. Try to segregate all those things, what is important for mains and what is important for prelims. Aapko ye segregate karna aana chahiye, then only you are going to clear the UPSC mains examination. Right, this is for those people jo ki pehli baar attempt de rahe hain ya attempt diye ja rahe hain, unka prelims bhi nahi clear ho raha. To aap agar prelims ke baad baithoge bhi, prelims clear karne ke baad mains mein baithoge bhi, tab bhi aapka mains clear hone ke chances bahut kam hai. Kyun? Kyunki aap mains ready nahi ho. Try to analyze by yourself only ki are you mains ready or not. Now let's talk about those people jo lagatar mains mein fail ho rahe hain. Unhone kya kiya hua hai ki prelims ko nikalne ka tarika seekh liya, right? They have got this skill, they have cleared prelims multiple times, now they are some sort of confidence about clearing prelims, right? Ab kya ho raha hai unke sath, they are not able to clear mains. Kyun? Kyunki they are not mains ready. Wo mains ready hai hi nahi, right? मेंस रेडी से मेरा मतलब क्या होता है? मेंस रेडी से मेरा मतलब है कि क्या आपके नोट्स रेडी हैं मेंस के लिए? क्या आपने पीवाईक्यूज को, सिलेबस के हर एक वर्ड को पीवाईक्यूज के लेंस से देखा है, राइट? क्या आपने सेक्शनल टेस्ट वर्सेस फुल लेंथ टेस्ट का मतलब आपको पता है कि कब कौन सा देना होता है? डू यू अंडरस्टैंड कि सेक्शनल थीम सेक्शनल टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और फुल लेंथ टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? फुल लेंथ टेस्ट कब देना चाहिए और सेक्शनल टेस्ट कब देना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज न्यूएंसेस और नॉट? जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, यू आर नॉट मेंस रेडी. एंड आई हैव डिस्कस वेरी एक्सटेंसिवली इन माई प्रीवियस वेबिनार्स कि वो फंडामेंटल मिस्टेक्स जो लगातार जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं मेन्स में, वो क्या फंडामेंटल मिस्टेक्स अपनी कॉपी में कर रहे हैं. दे आर रीडिंग, राइट? दे आर रीडिंग अलॉट. वो लगातार 2 से 3 साल पढ़े ही जा रहे हैं, बट देयर नॉलेज इज नॉट बींग रिफ्लेक्टेड इन द कॉपी. एंड बिकॉज they are writing also, और उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि this is the direction that you have to take. उनकी copy evaluate होके आ जा रही है and they are getting 80 marks, right? 80 से 85 आ जा रहा है, but a drastic change of 100 plus marks they are not able to get, right? So the problem for those people जो कि mains में बार बार बैठ रहे हैं and they are not able to clear it, why? Because they are not mains ready. That is first thing. The fundamental mistake that they are repeating again and again. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि people जो लगातार mains दे रहे हैं उनमें बहुत improvement भी नहीं है उनके marks में. I'll show you this. कि they are stuck in a loop. Loop में फंसे हुए हैं वो. कौन से loop में फंसे हुए हैं? अभी मैं आपको बताता हूँ. Let me zoom in for you. I have this student जो मेरे साथ Smash Mains program में जुड़ा हुआ है. उसने 2021 में जो अपना mains दिया, उसमें he got 694 marks, right? और 2022 में जब वो अपना मेंस दिया, अगेन ही गॉट 698 मार्क्स. 2022 और ये 2021, राइट? सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का अंतर है.
आई कांट शो यू द नेम बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजन आई कांट डिस्क्लोज द नेम मींस व्हाट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल व्हाई बिकॉज ही इज डूइंग द सेम फंडामेंटल मिस्टेक अगेन एंड अगेन वो लूप में फंसा हुआ है अगेन दिस प्रीलिम्स वाला रूप अगेन आप लूप में फंसे रहते हो दिसंबर में आपका रिजल्ट आता है फिर आप इमोशनल टर्बुलेंस में गुजरते हो राइट जनवरी में अगेन आप मेंस के लिए रेडी होना शुरू करते हो आप अपना ऑप्शनल तैयार कर रहे हो एथिक्स थोड़ा पढ़ रहे हो अगेन फरवरी आते आते व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर शिफ्टिंग योर फोकस ऑल टुवर्ड्स प्रीलिम्स और प्रीलिम्स पे जैसे फोकस किया तो पूरा का पूरा प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के बाद अगेन यू आर गिविंग राइट अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है अगेन यू आर वेस्टिंग 20 डेज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट उसके बाद अगेन यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक फंडामेंटल मिस्टेक दैट हैज बीन दैट यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर राइट तो दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड दिस इज कॉल्ड लूप राइट अगर आप देखो इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट नहीं की ओवरऑल में सिर्फ और सिर्फ चार मार्क्स में इंप्रूवमेंट किया हुआ है इफ यू लुक हिज ऑप्शनल मार्क इफ यू लुक एट हिज ऑप्शनल मार्क यहां देखो आप इनके ऑप्शनल मार्क 100 और 120 से यहाँ कितने हैं 138 और 116 138 एंड 116 इसने सिर्फ और सिर्फ अपने ऑप्शनल में ही इंप्रूव किया है उसने अपने जीएस में हर जगह ये डाउन हो गया ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स राइट आई शो यू अदर मार्कशीट्स टू आई शो यू अदर मार्कशीट्स टू अगेन सी दिस 697 व्हाट दीज पीपल आर डूइंग इज कि वो लगातार मेंस तो दे रहे हैं राइट अगर आप देखो ये दूसरे लोगों की मार्कशीट है अंटिल अनलेस अगर आप मेंस में 800 नंबर के ऊपर नहीं जा रहे हो ना तो लिस्ट में नाम भूल जाओगे राइट अगर आप मेंस में 800 नंबर के ऊपर नहीं जा रहे हो लिस्ट में नाम भूल जाओ अगर 850 या 900 के बीच में नंबर नहीं ला रहे हो तो रैंक भूल जाओ यू आर आउट ऑफ द गेम ऑल्सो राइट दिस इज द थिंग दैट इज वॉट इन लोगों के साथ क्या हो रहा है दे आर स्टक इन अ लूप राइट They don't know कि what fundamental mistake they are doing और उनकी पूरी की पूरी fundamental mistakes थे मैंने पूरी की पूरी एक webinar बना के दी हुई है पिछली webinar आप उनको जाके देख सकते हैं right so let's discuss कि क्या fundamental वो कर रहे हैं ये एक लड़के की copy है जो कि 2 से 3 बार means लिख चुका है sorry ये तीसरी बार means लिख चुका है 3 बार right now read the question with me question है कि substantiate your view with that Indian constitution is the hallmark of rigid and flexible constitution theek hai how rigidity and flexibility has helped the indian constitution for more than 7 decades while many other decolonized countries have either replaced or subverted their respective constitution now this is the question in front of a student who has 3 mains aur usko wo kaise likh raha hai right now I'll tell you the theme of the question is ki the nature of the indian constitution does it rigid and flexible nature of the indian constitution our Right? This is the theme of the question. You have to tell in the introduction that our constitution is blend of rigidity and flexibility. Right? Now the demand of the question is how rigidity has helped the Indian constitution. This is demand one. Second demand is how flexibility has helped the Indian constitution. This is demand two. And third demand is ki many other decolonized countries have subverted or replaced their constitution. This is demand three. You have to give examples here. Now you understood the theme and demand of the question, right? तो आई ऑलवेज हैव सेड कि थीम को इंट्रोडक्शन में लिखो नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन गिवन बाय अ स्टूडेंट आई वुड से दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन बट क्या हो सकता था इसमें और अच्छा लेट मी टेल यू व्हाट ही हैज रिटन इज जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्पेसिफाइड कि वी नीड बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू इंश्योर कि बेसिक प्रिंसिपल्स पे एडहेरेंस हो और नेशनल ग्रोथ हो राइट दिस इज व्हाट ही हैज रिटन आई वुड से कि दिस इज अ एवरेज इंट्रोडक्शन इफ You have to explain something like question ki theme kya hai rigidity and flexibility. First, you have to tell ki what rigidity means. What rigidity of constitution means. Rigidity means ki any changes ya amendment in the constitution will go by a very slow process and the process will be very detailed and lengthy. While flexible constitution mein kya hoga? The process for amendment will be very fast. Right? Aur aapko yahan show karna tha ki India is the blend of rigidity and flexibility. राइट तो यहाँ पे अगर आप ये सारी चीजें बताते हैं तो इट विल हैव अ बेटर इंट्रोडक्शन राइट ऑल्सो यू हैव कोटेड जो बच्चे ने लिखा है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है दिस इज ऑल्सो एवरेज बट आई वुड से कि इससे और अच्छा आप कर सकते थे नाउ अंडरस्टूड कि इस बच्चे ने किया क्या हुआ है व्हाट ही हैज रिटन इज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉलमार्क ऑफ रिजिडिटी
ये मैंने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन. द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हैल हेल्प द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि यहाँ हेडिंग क्या नहीं आनी चाहिए थी, हाउ रिजिडिटी हैज हेल्प द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, दिस इज द डिमांड वन, कि हाउ रिजिडिटी हैज हेल्प. रिजिडिटी होने से क्या हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू नो सेवन शेड्यूल को अगर अमेंड करना हो तो यू द पार्लियामेंट हैज टू टेक कंसेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स. राइट, सो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोटेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल सेकुलर नेचर. वाई? बिकॉज दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कांट बी अमेंडेड एज पर द केस ऑन अमृता भारती केस. राइट, तो डिड यू सी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या कमी है, हेडिंग इज नॉट इन द टोन ऑफ द क्वेश्चन. राइट, अगेन इफ यू सी कि हेडिंग इज नॉट इन द टोन ऑफ द क्वेश्चन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉलमार्क ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं पूछा. हाउ फ्लेक्सिबिलिटी हैज हेल्प द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल, इट हैज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द रीजनल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना स्टेट वॉज कार्ड आउट, राइट, टू प्रोटेक्ट द रीजनल एस्पिरेशन. तो ये सारी चीजें लिखनी चाहिए थी. ऑल्सो क्वेश्चन की थर्ड डिमांड क्या है, कि डी कॉलोनाइज कंट्री ने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया. नेपाल वॉज नेवर अ डी कॉलोनाइज कंट्री, राइट, एंड ही हैज रिटन अबाउट नेपाल. सो समबडी हैज टू टेल हिम कि कैसे, वॉट मिस्टेक्स दैट ही इज डूइंग. इवन आफ्टर गिविंग मल्टीपल मीन्स अटेम्प्ट, देयर आर सम मिस्टेक्स इन हिज कॉपीज, कि जिसको वो इम्प्रूव करेगा तो उसके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाए. राइट, सो वॉट ही हैज रिटन इज कि नेपाल हैज रिप्लेस्ड हिज कॉन्स्टिट्यूशन. द क्वेश्चन हैज स्पेसिफिकली आज क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टेल मी द डी कॉलोनाइज कंट्री, नेपाल वॉज नेवर कॉलोनाइज. राइट, सो दीज आर द मिस्टेक दोज पीपल आर डूइंग, जो कि मेंस में लगातार अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और दे डोंट नो व्हाट द फंडामेंटल मिस्टेक दैट दे आर डूइंग. राइट, सो दीज आर द मिस्टेक दैट दे आर डूइंग. राइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड कैटेगरी, कि वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन से क्लियर कर तो रहे हैं, दे आर क्लियरिंग द मेंस बाय मार्जिन, बट लिस्ट में अभी तक उनका नाम आ नहीं पाया, तो वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको समझते हैं. कि मेंस तो क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी दे दिया, बट क्या हुआ, लिस्ट में नहीं आ पाए. नाउ ट्राई टू कंपेयर द मार्कशीट, दीज टू मार्कशीट, ट्राई टू कंपेयर दीज टू मार्कशीट विथ मी एंड एनालाइज करो कि क्या इंपॉर्टेंट है. राइट, पर्सनैलिटी टेस्ट में दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 193 मार्क्स. आई ऑब्वियसली कैनॉट डिस्क्लोज द नेम. एंड इशिता किशोर हु वॉज टॉपर ऑफ 2022, राइट, दिस मार्कशीट इज ऑल्सो ऑफ 2022. She also has scored 193 marks in what? In personality test, 193 marks. Now, if you compare the mark sheet, दोनों के personality test में marks बराबर है. Prelims is qualifying in nature, right? But it is unpredictable. I cannot deny that. It is qualifying in nature. तो prelims के marks तो आप भूल जाओ. What difference जो make कर रहा है वो है mains के marks. She has got 109 marks overall in mains and this person has only got 755 marks. 2022 का कट ऑफ देखो क्या था, 748 था. 755 इसने पाया, जस्ट मार्जिनली इसने किया है मेंस को क्लियर. एंड अगेन ही इवन आफ्टर स्कोरिंग AIR 1 के बराबर पर्सनालिटी टेस्ट में स्कोर करने के बाद, He's not able, he was not recommended in the list. See, it is written here, he is not recommended in the list. Why? The mains is making all the difference here. हो सकता है personality test में आपका उस दिन लग नहीं काम किया, आप थोड़ा anxiety में आ गए या घबरा गए, but it is the mains जहां पे आपको सिर्फ बैठ के लिखना है. Right? You get 3 hours to write the paper, right? शुरू के 5 मिनट आप घबरा सकते हो, but the rest, बाकी के 2 घंटे 55 मिनट, इट इज योर्स. राइट, उसमें आपको परफॉर्म करना है, तो यू हैव टू बी मीन्स रेडी. अदरवाइज अगर आप जब तक मीन्स रेडी नहीं होगे ना, तब तक आप इस यूपीएससी वाले लूप में फंसे रहोगे. एंड ईयर बाय ईयर यू विल बी गिविंग अटेम्प्ट, फिर बीच में आपको लगेगा कि मैं एक रेस्ट ले लेता हूँ 1 साल का. अगेन दैट 1 एंड 1 हाफ ईयर रेस्ट लोगे, अगेन यू विल बी गिविंग अटेम्प्ट. राइट,
आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि छः छः बार क्या है मेंस दिए हुए, आई नो एस्पिरेंट्स जो कि मेरे साथ जुड़े हैं और सातवीं बार वो मेंस देने जा रहा है, दिस टाइम दे हैव ज्वाइंड स्मैश मेंस प्रोग्राम, सातवीं बार वो मेरे साथ मेंस देने जा रहा है, 7 साल उन्होंने अपना यूपीएससी को दिया हुआ है, अगर उनको डायरेक्शन सही पता होता, वॉट डज इट मीन्स टू बी मेंस रेडी, उनको अगर ये पहले पता होता तो दे हैव सेव देयर क्रूशियल ईयर्स ऑफ लाइफ राइट. Now, let's compare the other mark sheet with me. Now, this is also a mark sheet of 2021 ka topper jo thi, wo Shruti Sharma ji thi. Aur this is the mark sheet I can't name. This mark sheet mein aap dekhoge to 193 marks inke yahan pe again interview mein hai. Topper ke marks kitne hai? 173 marks. Right? 193 more than topper. Even after you score in personality test more than topper, टॉपर से भी ज्यादा अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट में ला रहे हो, यू आर नॉट रिकमेंडेड, यू आर नॉट इन द लिस्ट. व्हाई? द मेंस इज मेकिंग द डिफरेंस हियर. इनके टोटल मार्क्स कितने हैं मेंस में? 746. इनके कितने हैं? 932. ऑलमोस्ट 200 का गैप है. देख लो 180-190 के आसपास का गैप है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर 850 से 900 के बीच में रही हो तो अच्छी रैंक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और 800 से नीचे हो मार्क्स तो आप ये समझ लो कि आप लिस्ट में भी नहीं जाओ. गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू आर गिविंग अटेम्प्ट इन 2024, आप किसी भी इस एक कैटेगरी में बिलोंग कर रहे होगे राइट. नाउ लुक एट दीज मार्कशीट्स राइट, जस्ट लुक एट दीज मार्कशीट्स. इवन इस बच्चे के ऑप्शनल में 300 से ऊपर है. सी 300 से ऊपर ऑप्शन में 155 एंड 151, इट्स बिकम 306. ही इज नॉट रिकमेंडेड. सी दिस, इसके ऑप्शनल में 300 है. ही हैज परफॉर्म वेल इन द ऑप्शनल, उसके बाद भी ही इज नॉट एबल टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम एंड ही इज नॉट इन द लिस्ट, नॉट रिकमेंडेड. ये सारी मार्कशीट रीसेंट है, 2022 की मार्कशीट है. ऑब्वियसली आई कांट टेक द नेम्स राइट, दैट इज व्हाई आई हैव हिडन इट राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेंस के सारे सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आफ्टर, अगर आपके जीएस में ये 400 से ऊपर की स्कोर नहीं है, इन योर जीएस 1, 2, 3, 4 मिला के 400 से ऊपर का स्कोर नहीं ला रहे हो, तो नॉट इन द लिस्ट. इवन आफ्टर यू आर स्कोरिंग 300 मार्क्स इन ऑप्शनल राइट, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके मार्क्स देखो 168, 175 इज अ डिसेंट मार्क्स, एनीथिंग बिलो इट इज एवरेज. ही हैज परफॉर्म्ड एवरेजली. He has performed poorly, 143 in personality test, right? But क्या personality test में अच्छा perform करने से rank आ जाती? नहीं आती. हमने ऊपर देखा series marks से. Personality test में भी इन्होंने अच्छा perform किया. This person has performed better than Shruti Sharma. She is AIR 1, right? But it is the mains which is making difference here, right? So it is very much important to be mains ready. Mains का जो पूरा importance है ना, वो बहुत ज़्यादा. एंड प्रिलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग, और बहुत सारे लोग का तो प्रिलिम्स के टाइम पे ही गेम खत्म हो जा रहा है. लगातार 2 से 3 बार प्रिलिम्स दिए जा रहे हैं. इवन आफ्टर क्लियरिंग प्रिलिम्स मीन्स नहीं क्लियर होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज में जब आप जाते हो तब आपको एक्चुअली 50-60% वेरिएबल्स तब जाके पता चलते. जैसे आप अपनी यूपीएससी तैयारी में आए तब आपको समझ में आएगी कितनी मेहनत लगेगी, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे राइट, रात दिन पढ़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि लक्ष्मीकांत भी होती है, इन्वायरमेंट भी कोई चीज है राइट, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कोई चीज है, उसको भी पढ़ना है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी. व्हेन यू विल बी गिविंग फर्स्ट मेंस, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि अरे मेरा ये वाला आस्पेक्ट तो छूट ही गया, इसके लिए तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने 2 से 3 साल तक तैयारी की. दैट इज वाई वी आर एम्फेसाइजिंग, सिविल्स डेली इज एम्फेसाइजिंग कि मेंस रेडी हो जाओ, बी मेंस रेडी. प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है राइट, द मोमेंट यू क्लियर प्रीलिम्स यू आर क्लियरिंग मेंस, दिस शुड बी योर एम्स. एंड लेट मी टेल यू, जब आप मेंस की तैयारी करते हो ना, प्रीलिम्स क्लियर करना भी बहुत आसान हो जाता है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि मेंस की तैयारी बहुत ही इंटेंसिव होती है, एंड प्रीलिम्स की जो तैयारी है ना वो एक्सटेंसिव होती है राइट, यू हैव टू रीड अलॉट, बट इन मेंस यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अलॉट राइट, यू हैव टू रीड इन डेप्थ. थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको समझना पड़ता है चीजों को राइट, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड चाहिए राइट. तो
जब आप मेंस की तैयारी ढंग से कर लेते हो तो योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, योर स्किल्स आपकी पॉलिश हो जाती हैं एंड आपको प्रिलिम्स निकालने का भी नैक मिल जाता है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर मेंस रेडी अभी, इवन इफ दे आर नॉट क्लियरिंग प्रिलिम्स दिस ईयर, अगर नहीं क्लियर पाए नेक्स्ट ईयर वो डेफिनेटली अगर प्रिलिम्स को क्लियर करेंगे तो वो मेंस क्लियर करते करते इंटरव्यू को भी क्लियर करके अपना लिस्ट में नाम लिया, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द स्टूडेंट, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी इन द सर्विस हैं और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रही हैं। यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो आईएएस बन जाते हैं बाद में जाके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए। एंड ऑल्सो दिस ईयर ऑल्सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर आईपीएस आईआरएस एंड हु आर देयर विथ अस इन स्मैश मेंस प्रोग्राम, दे विल बी राइटिंग दिस ईयर एंड दे आर राइटिंग टेस्ट विथ अस, राइट। दे आर राइटिंग टेस्ट विथ अस इन स्मैश मेंस प्रोग्राम और अगेन दे विल बी सीटिंग इन 2024 अगेन, राइट। तो उनके लिए जो भी सारी चीजें होती है ना वो टोटली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बताते हैं। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दीज गाइज। फर्स्ट अभी हमारा जो मेन एम है वो हमारा फर्स्ट थ्री कैटेगरी को डिस्कस करने का है, राइट। द पर्सन हु आर नॉट एबल टू क्लियर प्रिलिम्स, पर्सन हु हैव क्लियर प्रिलिम्स बट नॉट एबल टू क्लियर मेन्स मल्टीपल टाइम्स, पर्सन हु हैव क्लियर मेन्स ऑल्सो बट ओनली बाई मार्जिन, राइट। वो मार्जिन से क्लियर तो कर ले रहे हैं बट एक वो 400 नंबर वाला जीएस में लेके आना, 400 प्लस मार्क्स जीएस में लाना, 280 के आसपास ऑप्शनल में लाना या उससे ऊपर लाना, 125 प्लस ऐसे में लाना और 175 प्लस इंटरव्यू में लाना। अगर आप ये सारी चीजों पे काम कर रहे हो ना तब आप जाके अपने नाम को यूपीएससी के लिस्ट में ला पाओ। यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। किसी एक में अच्छा कर लिया, इसमें 300 ले आए या पर्सनालिटी टेस्ट में 190 ले आए, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम नहीं चलने वाला। यू हैव टू परफॉर्म इन GS 1 2 3 4 ऑल्सो। यू हैव टू परफॉर्म इन ऐसे 125 के आसपास अपने आप को ऐसे के पास लाना पड़ेगा, तब जाके आप यूपीएससी के लिस्ट में आओगे एक अच्छी रैंक के साथ, राइट। सो लेट्स डिस्कस कि हम कर क्या सकते हैं इफ यू आर इन वन ऑफ द कैटेगरी, कि 1 2 3 4 कैटेगरी में से कुछ भी हुआ। अगर इफ यू आर इन द फोर्थ कैटेगरी जस्ट रीच आउट टू अस, गो टू वेबसाइट ऑन द सिविल्स डेली, कॉल अस, ठीक है। देयर विल बी मेंटर, ही विल बी डिस्कसिंग योर रिक्वायरमेंट विद लाइक कस्टमाइज अप्रोच आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी है। इफ यू आर इन द फर्स्ट थ्री कैटेगरी जस्ट लिसन टू मी कि आप अगले अब क्या कर सकते हैं, राइट। सो कॉमन डाउट्स अभी बच्चों का क्या है, वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, राइट। अच्छे फेब्रुवरी है और आज से टोटल 110 दिन बचे हुए प्रिलिम्स को। द प्रिलिम्स इज ऑन 26 मई, राइट। तो 6 फरवरी, 110 दिन बचे हैं, 26 मई को प्रिलिम्स है। नाउ द स्टूडेंट सेज कि सर प्रिलिम्स डिफिकल्ट हो गया है, टाइम टेकिंग हो गया, हम मेंस पे कैसे फोकस करें। सर मेंस के लिए तो प्रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं है, सर फरवरी आ गई, प्रिलिम्स फीवर इज राइजिंग, राइट। इट इज नॉट द टाइम फॉर मेंस। सब बच्चे मतलब आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गिवन मेंस आल्सो, वो भी कह रहे हैं सर हमको अब प्रिलिम्स पढ़ने दो। एंड आई एम सेइंग दिस कि यू हैव गिवन प्रिलिम्स, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाई डोंट यू स्ट्रेटेजाइज। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि अभी आपके पास 110 दिन है किसके लिए, प्रिलिम्स के लिए, राइट। और आफ्टर प्रिलिम्स और मेंस के बीच में कितने दिन होते हैं, 107 दिन। अगर आप जाके देखना 26 मई को प्रिलिम्स है और 20 सितंबर को मेंस स्टार्ट हो रहा है, टोटल 107 दिन है आपके पास। अब जब आप प्रिलिम्स दे रहे हैं यू डोंट हैव टू गिव एसे, यू डोंट हैव टू राइट एसे, यू डोंट हैव टू राइट टू ऑप्शनल पेपर्स। आपको ऑप्शनल भी नहीं लिखना है, दो ऑप्शनल पेपर है वो भी नहीं लिखना है। आपको इथिक्स नहीं लिखना है, पेपर इज ऑब्जेक्टिव, सिर्फ टिक लगाना है। उसके लिए आप कह रहे हो कि लेट मी फोकस, अभी 110 दिन बचा है सर, प्रिलिम्स अप्रोच कर रहा है, उसके लिए आपको 110 दिन चाहिए। और जब प्रिलिम्स हो जाएगा तब आपके पास टोटल 107 दिन बचेंगे, ये भी सारी चीजें ऐड हो जाने वाली हैं यहाँ पे आके। तब आप कह रहे हो कि आई विल प्रिपेयर दीज थिंग्स, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू परफॉर्म एंड टेक ऑल दीज थिंग्स एट दैट टाइम, आई वुड से नो। अगर आप बिगनर हो ना, अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्स पे फोकस कर रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, ही विल लूज हिज मींस। प्रिलिम्स अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, प्रिलिम्स क्लियर करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी कि आप अगली बार प्रिलिम्स क्लियर करोगे नहीं करोगे, राइट। अगर करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, तो मेक श्योर कि आप अपने मींस वाले अटेम्प्ट को काउंट कर रहे हो, राइट। तो आपको प्रिलिम्स के लिए 110 दिन चाहिए और 107 दिन में आप अपनी सारे टेस्ट
अलॉन्ग विथ योर जीएस पेपर्स, आप इन सारी चीज को ऐड करके ये सारी चीजें मैनेज कर पाओगे? आई वुड से नो, नहीं कर पाओ। दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको ऊपर टेस्टिमोनियल में दिखाया आकृति से कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी मेंस रेडी, GS 1 2 3 4, कि जब तक आपके पास मेंस रेडी नोट्स नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द मेंस एग्जाम। अगर आपका ऑप्शनल अभी अभी आपका ऑप्शनल 65 to 70% कंप्लीट नहीं है, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द मेंस एग्जामिनेशन। दिस इज अ बेटर ट्रूथ। अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द गेम। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली, राइट? सो दीज आर द स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं। तो आप एक बार जरा डेटा के साथ देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि सर प्रीलिम्स का टाइम आया है कि नहीं आया, राइट? सो व्हाट कैन यू डू नाउ, कर क्या सकते हो? नाउ आई हैव टोल्ड स्टूडेंट्स कि सिलेबस पढ़ो, सिलेबस लो, और सिलेबस को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रीलिम्स ओनली, मेंस ओनली एंड प्रीलिम्स प्लस मेंस। अब ये कैसे होता है, दैट इज मच डिटेलिंग जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइक प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से क्या चीजें हैं और कैसे दोनों की तैयारी पैरेलल कर सकते हैं। सी द प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस सेम ही होता है बहुत सारा, दैट इज 65% ऑफ द सेम सिलेबस, अराउंड 65% ऑफ द सिलेबस, अराउंड आई आई एम यूजिंग द वर्ड अराउंड, प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉमन होता है, बट द अप्रोच फॉर देम इज टोटली डिफरेंट, राइट? सो इसकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड हमेशा वो होती ही है। द पीपल हु आर क्लियरिंग एग्जाम दे नो ऑल दीज नुआंसेस, राइट? ओनली प्रीलिम्स एंड ओनली मेंस, राइट? ओनली मेंस यू प्रिपेयर आफ्टर प्रीलिम्स, राइट? या प्रीलिम्स से बहुत पहले भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ओनली प्रीलिम्स अभी आप, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 110 डेज, राइट? एंड इन माई पास्ट 4 to 5 ईयर ऑफ माई करियर इन दिस अकेडमिक इंडस्ट्री, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग सेलेक्टेड इन टू यूपीएससी एग्जाम, राइट? एंड आई हैव सीन रेंज ऑफ स्टूडेंट, मैं आपको रेंज बता दूं तो 60 से लेके 75, 60 to 75 days, यानी कि 2 से 2.5 महीने से ज्यादा वो लोग नहीं देते जो कि लिस्ट में आने वाले, राइट? दे हैव द, अगर आप कट ऑफ डेट ले लो 70 days, मैक्सिमम 70 days फॉर प्रीलिम्स इज एनफ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली प्रीलिम्स, 70 days आर मोर देन एनफ, आई वुड से। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर एग्जाम, राइट, हु हैव गॉट इन टू द लिस्ट, वो 70 दिन से ज्यादा देते ही नहीं। बहुत लोग जो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो 2 महीने पहले ही प्रीलिम्स का स्टार्ट करते हैं। पीपल हु आर लेस कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट है, वो 15 दिन और आधा महीना और ले लेते हैं। बट द कट ऑफ डेट आई वुड गिव यू, आई वुड रिकमेंड यू, यानी कि 70 डेज से ज्यादा अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को दे रहे हो ना, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग मेन समवेयर, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर कि आप मेन्स में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। सी आप वीडियोस बहुत सारी देख लेते हो यूट्यूब पे कि कोई फर्स्ट पहली बार में क्लियर कर लिया एग्जाम, हाँ, उसने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा, फिर देन आफ्टर द प्रीलिम्स ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड ही आल्सो क्लियर मेंस। तो वैसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से कोई 1 2 लोग, 10 लोग ऐसे हों, बट वॉट अबाउट द मेजर चंक ऑफ एस्पिरेंट्स? आप अपने आप को ये मान के चलो कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी तैयारी को प्रोसेस के हिसाब से करना है, और प्रोसेस रिक्वायर डिटेलिंग्स, मुझे ना हर एक सब्जेक्ट के लिए मेंस रेडी होना है, ठीक है, उस डिटेलिंग के साथ। मुझे लक फैक्टर पे नहीं जाना, मुझे टॉपर ने कहा कि हाँ मैंने प्रीलिम्स पढ़ा फिर मेंस पढ़ा, मेरा एक बार में हो गया, वो स्ट्रेटजी मे बी कस्टमाइज टू यू, आपके लिए है या नहीं, दैट यू हैव टू चेक। यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो एनीबडी, नॉट इवन मी, राइट? तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग सच में लिस्ट में जाने वाले हैं वो 70 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। स्टिल यू हैव व्हाट 40 डेज लेफ्ट फॉर द मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपके पास अभी भी 40 दिन आप प्रीलिम्स प्लस मेंस भी पढ़ सकते हो, और वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। राइट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और नॉट? बिकॉज दीज थिंग्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिटेलिंग, राइट? इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपको बता सकता है जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो लोग स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, राइट? ही समबडी हु इज एबल टू मेक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एस्पिरेंट्स हु आर बीइंग सक्सेसफुल एंड एस्पिरेंट्स हु हैवन बीन सक्सेसफुल, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज नुआंसेस, राइट? लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू, राइट?
तो अभी आप कर क्या सकते हो? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि सेक्शनल टेस्ट क्या होता है और फुल लेंथ टेस्ट क्या होता है. दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दोज पीपल हु क्लियर मींस कि दे अंडरस्टैंड सेक्शनल टेस्ट का टाइम कब है और फुल लेंथ का टाइम कब है. व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि सेक्शनल टेस्ट जो है फॉर यू टू क्लियर मींस आपको दो चीज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए. मींस का सिलेबस बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए और मींस का सिलेबस को PYQs के लेंस से आपको देखना है ताकि आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि UPSC क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है और उसके बेस पे आपको तैयारी करनी है. नाउ इन द सिलेबस देयर आर मेनी थीम्स. इन द सिलेबस देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स. पहली बात तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है. ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैव थीम्स, राइट, मल्टीपल थीम्स. बहुत सारे क्वेश्चंस पे सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी थीम्स हैं जो रिपीट भी होती है मेंस के एग्जाम में एंड दे आर थीम्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दीज 2 months ऑफ फेब एंड मार्च. फेब मार्च में आप क्या कर सकते हो? यू कैन गिव सेक्शनल टेस्ट, राइट, सेक्शनल टेस्ट फॉर ईच थीम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, राइट, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ रहे हो तो यू कैन राइट अ पॉलिटी टेस्ट ऑफ पॉलिटी सेक्शनल टेस्ट, राइट, एंड यू कैन प्रिपेयर योर पॉलिटी का सब थिंग्स एक्सेप्शनली वेल देन अदर पीपल. व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू. अपनी प्रीलिम्स के पहले का जो टाइम होता है, राइट, प्रीलिम्स के पहले का जो टाइम होता है इट इज फॉर प्रिपेयरिंग सेक्शनल थीम्स. सेक्शनल टेस्ट देके हर एक सब्जेक्ट को एबव एवरेज लेवल पे अपने मजबूत कर लो, राइट. एंड आफ्टर प्रीलिम्स व्हाट यू डू इज यू गिव फुल लेंथ टेस्ट. फुल लेंथ टेस्ट का काम क्या होता है कि अपने ओवरऑल लेवल पे अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करना. कि ओवरऑल लेवल पे लेट्स से 5 सब्जेक्ट, अगर एक GS पेपर में लेट्स से 4 या 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें ओवरऑल लेवल पे आप अपने मार्क्स को 100 से ऊपर ले जा पा रहे हो या नहीं. दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर प्रीलिम्स, राइट. बट बिफोर प्रीलिम्स यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू गिव मल्टीपल सेक्शनल टेस्ट ऑन दैट. और वो आप प्रीलिम्स की तैयारी के साथ भी कर सकते हो. अब वो कैसे कर सकते हो मैं अभी आपको करके बताता हूँ, दिखाता हूँ, राइट. आई हैव दो स्लाइड्स ऑल्सो, राइट. Let me erase this. So this is the time to master sectional themes. Okay. So coming on to the next slide. Now see this. Sectional test one of quality. This is ये सिविल्स दिल्ली का पेपर है, राइट. और हमारे साथ जो बच्चे मेंस स्मैश मेंस प्रोग्राम से जुड़े हैं और जो लगातार 2 से 3 बार मेंस में फेल हो रहे हैं, दे आर राइटिंग सेक्शनल टेस्ट नाउ. सेक्शनल टेस्ट में हम उनको उनके कैसे हर एक सब्जेक्ट की थीम पे नोट्स कैसे बन सकते हैं मेंस रिलेटेड वो बता रहे हैं, राइट. एंड वी आर मेकिंग देयर सेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेक्शन ऑफ क्वालिटी एंड गवर्नेंस, राइट. तो उनका ये वाला सेक्शन कैसे एबव एवरेज लेवल पे मजबूत हो जाए, एबव एवरेज लेवल पे चला जाए, वो हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, राइट. नाउ इफ यू सी कि पॉलिटी के लिए क्या सोर्स है, अगर आपको पता हो तो पॉलिटी के लिए एक NCERT है एंड लक्ष्मीकांत, राइट. नाउ यू विल बी रीडिंग दीज 2 बुक्स फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो, राइट. तो क्या आप इसको प्रीलिम्स के साथ पढ़ते पढ़ते कैन यू राइट अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ मेंस हियर? कैन यू राइट अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ मेंस? अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखो तो नाउ सी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पब्लिक अकाउंट कमिटी, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल, राइट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी इजिली बी डन बाय लक्ष्मीकांत की रीडिंग से, राइट. इफ यू सी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म, इस पे भी पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत में. इफ यू सी कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑन लॉ कमीशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला. इफ यू सी कि अगर आप इसमें देखो तो वी आर कंपेयरिंग US मॉडल एंड US का फेडरल मॉडल और इंडिया का फेडरल मॉडल. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी डन बाय गिविंग बाय रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत एंड NCERT. तो जो आपने नॉलेज
अपने इन एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद और लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद ली है, आर यू एबल टू रिफ्लेक्ट दोज नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इन द पेपर और नॉट? क्या आप ये टेस्ट कर सकते हो हर एक हफ्ते एक पेपर लिख के? इट कैन इजिली बी डन, और इससे आपका मीन्स का जो टच है वो छूटेगा नहीं, राइट? एंड आफ्टर दिस फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट व्हाट हैपेंस इज, ये तो पहला सेक्शनल टेस्ट क्या होता है कि आपके बेसिक एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से खत्म हो जाने वाला, राइट? नाउ द सेकेंड टेस्ट आप दे सकते हो, दूसरा टेस्ट पेपर जो होगा फॉर पॉलिटी, दैट विल बी अ मोर एनालिटिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि वॉट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी क्या है, एंड गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ जजमेंट वेयर डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी हैज अप्लाइड. अब आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत वो यहाँ पे उतना काम नहीं आ पाए. नाउ यू हैव टू लुक फॉर द अदर सोर्सेज. तो क्या सोर्सेस बढ़ाते हैं? नहीं, सोर्सेस नहीं बढ़ाने होते. द क्वेश्चन इटसेल्फ जो हम आपको दे रहे हैं और उनके जो मॉडल आंसर जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेसिक रेफरेंस मटेरियल. यू डोंट हैव टू डाइवर्सिफाई द सोर्सेस. द टॉपर्स ऑलवेज सेज कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो. फॉर द प्रिलिम्स ऑल्सो आप अपने सोर्स को यही लेते हो, बट बहुत सारी चीज अपने प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज से अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते हो. वाई? बिकॉज यू कैनॉट गो एंड रन ओवर द सोर्सेज, राइट? एक सोर्स को बहुत बार रिवाइज किया, उसकी बेसिक्स क्लियर हो गई. नाउ फॉर द एनालिटिकल पेपर, आई विल शो यू द एनालिटिकल पेपर फॉर दिस थिंग. लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी जूम आउट. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द सेकंड पेपर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये पेपर थोड़ा एनालिटिकल है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक सी द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल टॉलरेशन एंड विजन ऑफ यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? Now this question requires some sort of brainstorming, right? Yes, direct question nahi aaya compare the federal model of India and US. Ye direct question nahi aaya ki preamble ke bare mein, philosophy and objective of preamble, right? Now this requires brainstorming. To kisi bhi section ke liye agar aap uska ek basic theme pe questions aur dusra ek analytical paper agar aap nahi likh rahe ho on one single subject ke theme pe, to then you are not being mains ready, right? पहला तो बेसिक सोर्सेस से जो पढ़ा उसको आर यू एबल टू रिफ्लेक्ट. नाउ द सेकंड थिंग इज लेवल टू, ब्रेनस्टॉर्म, राइट? क्या आपका ये सारी चीजें प्रीलिम्स से पहले हर एक सब्जेक्ट के लिए तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो यू आर नॉट मेंस रेडी. अभी तक आप मेंस रेडी नहीं हुए, यू आर नॉट मेंस रेडी, नॉट मेंस रेडी. इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज ऑफ नियो लिबरल पैराडाइम. अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए होगी और ट्रेडिशनल सोर्सेस जो हमारे सोर्सेस है जैसे लक्ष्मीकांत, ठीक है, जैसे लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है. एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैनॉट कम, राइट? सो स्टूडेंट डो नॉट हैव टू रन टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग ऑफ, लाइक आप अपना सोर्सेस बढ़ाने के लिए भाग नहीं सकते. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिलाई ऑन द क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज, राइट? जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हो विच आर बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज को थीम को लेके, पीवाईक्यूज को लेंस से लेके उनकी थीम के बेस पे क्वेश्चन बने, और आपका उन क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो, एंड अगेन यू आर एबल टू राइट आंसर इन दैट वे ऑल्सो, राइट? तो दिस इज द थिंग कि आपको हर एक सेक्शन को मजबूत करने के लिए एबव एवरेज लेवल पे ले जाने के लिए अभी आपके पास फरवरी और मार्च का टाइम है, राइट? यू कैन चूज एनी फोर और फाइव सब्जेक्ट्स ऑफ योर विश कि मैं इन चार से पांच सब्जेक्ट को ना अपना स्ट्रांग बना लूंगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, दे आर 40 डेज, या अगर आप हर एक हफ्ते अगर टेस्ट देते हो तो डिवाइड बाई 7, 7, 5, 35, यानी कि आप टोटल 6 टेस्ट तो दे ही सकते हो, राइट? इफ यू यू कैन टेक एनी फोर फाइव सब्जेक्ट्स और उनको किसी भी दो या तीन सब्जेक्ट को एबव एवरेज लेवल पे अभी ले जा सकते हो, एबव एवरेज लेवल, राइट? नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि पीपल आर राइटिंग आंसर्स आल्सो, दे आर गिविंग टेस्ट आल्सो, बट दे आर नॉट गेटिंग द करेक्ट फीडबैक. आई विल शो यू द कॉपीज ऑफ टू स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पेपर दे रहे हैं और वो मेंस लिखे हुए हैं दो दो बार, राइट? आई विल शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन हमारा ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है सेक्शनल टेस्ट वन का, ये थर्ड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैं दो बच्चों की ऐसी कॉपी लेके आ रहा हूँ जिन्होंने ये पेपर लिखा हुआ है,
और दोनों ने अलग अलग तरीके से इस आंसर को लिखा हुआ। नाउ द थिंग इज कि यू आर राइटिंग द आंसर्स ऑल्सो, आप आंसर लिख रहे हो एंड यू आर इन द प्लेस वेयर कि मैं तो आंसर लिख रहा हूँ, आई एम गेटिंग मेंस रेडी, बट द करेक्ट फीडबैक एंड राइट डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्कोर वेल इन द मेंस मार्क्स। यू नीड टू हैव पोस्ट टेस्ट डिस्कशन आफ्टर राइटिंग द टेस्ट, अदरवाइज वो क्या होगा कि आपका आप लिख तो रहे हो बट यू आर नॉट इंप्रूविंग, अगेन यू आर इन द लूप एंड यू आर रिपीटिंग द सेम फंडामेंटल मिस्टेक्स, राइट? तो आपके साथ वो सारी चीजें हो जाएंगी। इफ यू आर पुटिंग एन एफर्ट, टेक अ पोस्ट टेस्ट डिस्कशन कि सर इसमें क्या होगा मेरा, राइट? इस मैथ्स मेंस प्रोग्राम में पोस्ट टेस्ट डिस्कशन इज मैंडेटरी, राइट? द मोमेंट यू राइट द पेपर योर कॉपी गेट इवैल्यूएटेड एंड इट गोज टू द मेंटर एंड द मेंटर हैज टू टेक अ कॉल दैट 1 hour कॉल विथ यू, 1 hour 40 minutes 30 minutes, फिर धीरे धीरे वो रिड्यूस होता जाता है, राइट? नाउ इफ यू सी इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन वॉज पावर्टी इज आउटकम ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट एंड सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स। नाउ द क्वेश्चन सेज कि पावर्टी इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, कि पूरा क्वेश्चन पावर्टी पे बेस्ड है, राइट? आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थीम डिमांड को पकड़ो, राइट? तो द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज पावर्टी ऑन विच द होल क्वेश्चन इज बेस्ड। सेकेंडली ट्राई टू फाइंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द डिमांड ऑफ द फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज डिमांड वन, पावर्टी एज लैक ऑफ डेवलपमेंट, आउटकम ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से कैसे पावर्टी हुई है, ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट। नाउ द सेकेंड डिमांड इज एलवेज एज बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, यानी कि हमने डेवलपमेंट तो किया उसके बाद भी पावर्टी हो गई, राइट? डेवलपमेंट के बाद भी पावर्टी हो रही है, यानी कि बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, दिस इज डिमांड टू। एंड द थर्ड डिमांड इज सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स टू एलिमिनेट द पावर्टी, दिस इज डिमांड थ्री। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थीम डिमांड को समझ पाते हो तब तो गेम में इन हो, अदरवाइज गेम में आउट हो जाओ, ठीक है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिर स्ट्रक्चर क्या बनाना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। हमेशा इंट्रोडक्शन में थीम को लिखते हैं, हमेशा बॉडी में डिमांड को लिखते हैं, राइट? नाउ दिस पर्सन हैज रिटन कि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट से अपने पास पावर्टी का एस्टिमेशन दे रहा है बीपीएल पॉपुलेशन। नाउ द तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, 2009 में, और क्या 2023 में आप ये लिख रहे हो इट इज बीइंग रेलेवेंट? नहीं। आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? यू आर नॉट बीइंग अपडेटेड विथ योर डेटा, राइट? यही पुरानी मिस्टेक आप 2 से 3 साल से पढ़ रहे हो। यू मे हैव लाइक आप पुराने एस्पिरेंट हो, 2 से 3 बार मेंस लिखा हुआ है, लाइक इस बच्चे ने 2 बार मेंस लिखा हुआ है, तो ही इज लाइक कि उसने अपने 2 साल पुराने वाला डेटा कि 2009 में तेंदुलकर कमेटी का कुछ डेटा था पावर्टी का वो लिख दिया। दिस इज सीइंग कि यू आर नॉट अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, राइट? यू कुड हैव कोटेड सम डेटा, इफ यू वॉन्ट टू कोट डेटा तो रिसेंट डेटा कोट कर सकते थे, राइट? नाउ सी कि डिमांड में क्या लिख रहा है कि आई एम, पहले तो ये समझते हैं कि पावर्टी ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे डेवलपमेंट करने के बाद भी पावर्टी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पावर्टी ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट मतलब लैक ऑफ डेवलपमेंट इन सोशल सेक्टर्स। अगर गवर्नमेंट सोशल सेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन, तो पावर्टी हो जाएगी। वाई? बिकॉज पावर्टी इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन नहीं होगा। जॉब क्रिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली पावर्टी आएगी। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी रिटन। Now what he has done is lack of development लिख दिया और inadequate access to health, education, lack of employment. He is using diagrams to satisfy the main part of the question. I have always told you कि there are some parts of the demand which are major parts and they cannot be addressed by the diagram. The main part of the demand has to be addressed in proper para point format with proper articulation. Right? Diagrams are added features. They cannot replace the main part of demand. Right? और now the second part of demand is by product of it. यानी कि आपने डैम बनाया, you did the development, but because of construction of dam, a lot of people got displaced and they are forced into poverty. This is the second part of the demand, कि how the poverty is by product of it. For example, development is happening and because of which climate change is happening, and because of which what is happening is sea level is rising. और sea level rise होने से क्या हो रहा है, कोस्टल एरियाज में जो लोग हैं दे आर माइग्रेटिंग एंड बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन दे आर फोर्स इनटू पावर्टी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज न्यूएंसेस। और तो उसका ये एंगल कहीं इसकी कॉपी में नहीं आया,
बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, प्राइसिंग, ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में जा रहा है. सो समबडी हैज टू टेल यू कि ये चीजें गलत हो रही है तुम्हारी, इवन इफ यू हैव गिवन टू मेंस. नाउ इफ यू सी जस्ट लेट मी ब्रिंग, हाँ, नाउ इफ यू सी, लेट मी जूम इन. इज कोटिंग ऑफ स्पेम रिपोर्ट एंड ऑल की वेल्थ इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी का हाउ सी बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ पे इसने क्या लिखा, डेवलपमेंट में लीड टू इनइक्वालिटी, दस रिच गेटिंग रिचर. नाउ द आर्टिकुलेशन इज नॉट प्रॉपर. सी वट ही हैज टू राइट इज की एक आर्टिकुलेशन एक साइंस होता है, जो मैंने आपको बताया है कि डायमेंशन देना चाहिए प्लस आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, देन आपको एग्जाम्पल देना है, राइट. बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, जीडीपी इज राइजिंग, बट इनइक्वालिटी इज ऑल्सो हैपनिंग, पुट इन टू एक्सट्रीमिज्म. अब ये नक्सलिज्म की बात करेंगे, हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वॉट द डिमांड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. तो यू आर राइटिंग, वॉट यू आर राइटिंग इज नॉट मेकिंग सेंस, अंडरस्टूड. तो समबडी हैज टू एक्सपोज दिस वल्नरेबिलिटीज. अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे भी रहे हो अपने घर पे बैठ के, तो ट्राई टू गेट समवन जो कि आपको आपकी वर्नरेबिलिटीज या शॉर्टकमिंग्स को एक्सपोज करके बताए, सो दैट नेक्स्ट टेस्ट में आप इंप्रूव कर पाओ, राइट. नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड पेपर, अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को देखो जो दूसरे बच्चे ने लिखी हुई है, और जो दूसरे बच्चे ने लिखी हुई है और उसने टोटली इस क्वेश्चन को डिफरेंट लिखा हुआ है, आई विल शो यू हाउ. नाउ Each aspirant is different in its own way, और सबकी thinking process अलग है. Now what he has written is कि poverty and development has dialectical relation. India has highest number of poor in the world. There is no data to substantiate highest number of poor. India has highest number of poor. This is very generic argument. Give us कोई तो data दो ताकि substantiate तो हो तुम्हारा argument. दूसरा, अगर आप poverty को यहाँ पे define कर दो कि पावर्टी इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एमडी कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू इन द डिमांड पार्ट वन. ये कोई बताने वाला होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप पावर्टी को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में लोगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन रहेगा लिखने के लिए, कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट पावर्टी इज हैपनिंग बिकॉज जॉब इज नॉट बीइंग क्रिएटेड एंड ऑल, राइट. बट इफ यू डिफाइन द पावर्टी मल्टी डायमेंशनली इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, तब डिमांड में आप जाके आप क्या कर सकते हो ना, तब आप डिमांड में जाके बहुत सारी चीजों की बात कर सकते हो. बिकॉज लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज ऑफ विच पावर्टी इज ऑल्सो हैपनिंग, आउट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग, राइट. पीपल आर फोर्स्ड इनटू पावर्टी, लैक ऑफ लिविंग इन स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ प्रॉपर लिविंग इन स्टैंडर्ड एंड हाउसिंग फैसिलिटीज, राइट. इस पर भी बात कर सकते हो, तुम्हारे डायमेंशन खुल जाएंगे अगर आप पावर्टी को मल्टी डायमेंशनली अगर डिफाइन कर दिए इंट्रोडक्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड व्हाट दिस पर्सन हैज रिटन, लैक ऑफ जॉब क्रिएशन एंड व्हाट ही हैज डन इज दोनों डिमांड को एक साथ क्लब कर दिया ना. तो क्वेश्चन की पूरी जो थीम है, जो क्वेश्चन का पूरा पूरा क्रक्स है, वो इसी में है कि आप इन दोनों को डिमांड वन और डिमांड टू में कन्वर्ट करो. बट इसने दोनों ही डिमांड को एक साथ लिख दिया है, और सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ डेवलपमेंट पे लिखे हैं. बाई प्रोडक्ट ऑफ इट का इसको कुछ समझ में ही नहीं पता था कि बाई प्रोडक्ट से भी पॉवर्टी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज की वजह से पीपल आर माइग्रेटिंग, राइट, एंड दे आर फॉलिंग टू पॉवर्टी. तो समबडी हैज टू टेल यू कि आपने ये पूरा का पूरा डायमेंशन छोड़ दिया. नाउ इफ आई हैव टू इवेल्युएट योर कॉपी, और तीन डिमांड है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा कि आपने दो डिमांड में से एक को तो पूरा छोड़ दिया. अगर मुझे बॉडी में 6 मार्क्स देने हैं, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर अगर मुझे बॉडी में 6 मार्क्स देने, आई एलोकेटेड 2 मार्क्स फॉर दिस, 2 मार्क्स फॉर दिस एंड 2 मार्क्स फॉर डिमांड थ्री, राइट. अब मैं क्या करूंगा, आपने जब ये लिखा ही नहीं, तो मैं इस पूरे नंबर को ही हटा दूंगा. नाउ योर कॉपी विल बी इवैल्यूएटेड इन 4 मार्क्स. अब उसमें मैं देखूंगा कि आपने इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है. तो 2 में मैं आपको 1 दिया, इसमें 2 में मैंने आपको फिर से 1 दे दिया, अगर आपने अच्छा या बुरा लिखा है, डिपेंडिंग ऑन वॉट. सो वॉट यू गॉट, 2 मार्क्स आउट ऑफ 6 इन बॉडी, राइट. तो दिस इज हाउ समबडी हैज टू टेल यू. सिर्फ आप अपने प्लेजर के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस अंटिल अनलेस यू हैव द राइट डायरेक्शन. आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कि मैं आपको बता रहा था कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, आपके नेक्स्ट 40 डेज कितना इंपॉर्टेंट है. लाइक यू कैन टेक हाफ ऑफ द मार्च, और मार्च 20 तक भी आप
ले सकते हो। 25 मार्च तक भी आप प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी में लग सकते हो अलॉन्ग विद द प्रीलिम्स, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने किसी भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके पीवाईक्यूज देखो, उसके जो बेसिक सोर्सेस है उनको रिवाइज करो, और उनपे प्रीलिम्स का जो टेस्ट दे रहे हो वो तो ठीक है, उनके साथ मेंस का भी टेस्ट दे के अपने आप को टेस्ट करो कि वेदर यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट दैट नॉलेज इनटू द कॉपी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ज्योग्राफी के लिए क्या सोर्सेस है, ज्योग्राफी के लिए सभी यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज द सोर्स, इवन द टॉपर हैज सेड, मल्टीपल टॉपर हैव सेड कि एनसीईआरटी ही सोर्स है 11th 12th की, राइट। एंड फॉर मैप्स यू हैव टू लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ गूगल सर्च या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वो देख सकते हो, और यू हैव टू हैव एन एटलस, राइट। प्लेसेस एंड न्यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज पर द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे हो, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ज्योग्राफी का प्रिलिम्स का तो पेपर दे ही दो, मीन्स का भी आप एक सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हो अलॉन्ग विद द प्रिलिम्स, इट विल ओनली टेक 3 आवर्स, एंड उससे क्या होगा कि आपका टच मीन्स से बना रहेगा, एंड यू विल बी ऑल्सो इम्प्रूविंग। जब आपने पोस्ट टेस्ट डिस्कशन ले लिया, यू नो द डायरेक्शन कि किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, मुझे कैसे अपने नॉलेज को कॉपी में रिफ्लेक्ट करना है, मुझे कैसे क्वेश्चन को थीम और डिमांड में कन्वर्ट करना है, मुझे कैसे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाना है, आर्टिकुलेशन कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग यू विल नो ओनली आफ्टर राइटिंग एंड गोइंग थ्रू मल्टीपल पोस्ट टेस्ट डिस्कशंस। ऐसे वो एक दिन में आने की चीज नहीं है, इट टेक्स अ प्रोसेस ऑफ 3 to 4 months एटलीस्ट की आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखना। सी वॉट हैपन्स आफ्टर प्रिलिम्स इज, प्रिलिम्स के बाद क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो प्रिलिम्स निकाल रहे हैं दे आर कन्फ्यूज कि वो करें क्या, पढ़ें ज़्यादा या लिखें ज़्यादा, एंड अल्टीमेटली लिखना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड आप चाहे जितना भी पढ़ लो, आपको चाहे जितना भी आता हो, मार्क्स विल बी ओनली गिवेन ऑन वॉट यू आर राइटिंग, जो लिख रहे हो उसी पे मार्क्स मिलेगा, वॉट एवर यू नो ऑन दैट मार्क्स विल नॉट बी गिवेन, राइट। तो दिस इज अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न कि पढ़ा हुआ लिख कैसे पा रहा हूं मैं, दैट इज द स्किल, एंड समबडी हैज टू टेल यू, एंड दिस इज अ प्रोसेस विच विल नॉट कम जस्ट बाई राइटिंग एंसर्स। आपने कहीं इवेल्युएट करा लिया और आपको मार्क्स मिल गया, नो दिस विल नॉट हैपन बाई दिस वे, यू हैव टू हैव सिट ओवर योर कॉपी, बैठना पड़ेगा किसी मेंटर के साथ, समबडी हु इज क्वालिफाइड इनफ टू गाइड यू कि हाँ ऐसे चीजों को देखना था, क्वेश्चन को थीम डिमांड में कन्वर्ट करना था, राइट, क्वेश्चन का आर्टिकुलेशन ये होना चाहिए, एंड वी हैव पीपल हु आर राइटिंग मीन्स मल्टीपल टाइम्स एंड हैव फेल्ड, अब वो हमारे साथ जुड़े हैं दिस टाइम इन स्मैश मीन्स एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, राइट। आई शो यू दिस पेपर कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इफ यू सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, दिस कैन बी डन बाई ज्योग्राफी का मीन्स, ज्योग्राफी का आप जो एनसीईआरटी पढ़ोगे वो इससे हो सकता है आराम से। टेम्परेचर इन्वेजन का क्वेश्चन है, वेस्ट लैंड का क्वेश्चन है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन है, ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी डन बाई रीडिंग, गुड रीडिंग ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी, राइट। अगर आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी को ढंग से समझा है, मास वेस्टिंग और वेदरिंग पढ़ा है, यू मस्ट हैव रेड मास वेस्टिंग और वेदरिंग पढ़ा हुआ होगा, बट आपने लिखा नहीं है कभी इसको। बट वॉट इफ प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के भरोसे जा सकते हो इफ यू हैवंट प्रैक्टिस इट येट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट। नाउ दिस वॉज द फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट जो कि आपके लेवल 1 है, राइट। आपके किसी एक सब्जेक्ट को, जीएस के किसी एक सब्जेक्ट की पूरी थीम्स को, ये लेवल 1 है ये उसका। नाउ यू कैन गिव सेकेंड सेक्शनल टेस्ट विच इज मोर एनालिटिकल या करेंट अफेयर्स के साथ लिंक करके जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट टेस्ट, राइट। लेट मी शो यू द सेकेंड टेस्ट पेपर, एक्सक्यूज मी। Let me just show you the second test paper. Now this is the second test paper of geography, which is level 2 for your subject, right? ऐसे करके आपको तैयारी करनी होती है कि level 1 अपनी basic sources को किया, now level 2 में थोड़े से question analytical होंगे, जो कि आपके basic reference material, for example NCERT है, right? NCERT है। तो NCERT में क्या है? NCERT की भी limitations है। Geological time scale के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्या बनाया हुआ है, एक एक टेबल बनाई हुई है, राइट। बट अगर उस पर कोई क्वेश्चन आ गया तो हाउ वुड यू डील विद दैट? फॉर एग्जाम्पल हियर देयर इज अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हियर देयर इज अ क्वेश्चन, एंड व्हाई व्हाई इट इज सो हैपी, ओह लेट मी जस्ट जूम आउट। फॉर एग्जाम्पल हियर देयर इज अ क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, राइट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है,
और द क्वेश्चन इज कि ब्रिंग आउट द रीजंस बिहाइंड द डेजिग्नेटिंग द पास्ट 42 ईयर्स एज अ मेघालयन एज. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, तो क्या ये आपकी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में है? इट इज नॉट राइट, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में नहीं है. तो द सोर्सेस हैव देयर लिमिटेशंस, तो उसको गैप को फिल कौन करता है? मींस कि टेस्ट सीरीज फिल करती है. द मॉडल आंसर्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू दैट विल फिल द गैप इन योर प्रिपरेशन, वो आपके मींस के नोट्स को रेडी करेंगे. ओनली द ट्रेडिशनल सोर्स जो है ना आपके मींस के नोट्स को रेडी नहीं करते. यू हैव टू हैव राइटिंग इन प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड ऑल्सो देयर इज समवन हु मस्ट बी गाइडिंग यू कि ये चीजें पता करनी है आपको, और ऑल्सो द बेसिक रेफरेंस मटेरियल दैट इज बीइंग गिवन टू यू दैट विल एक्ट एज ए वैल्यू एडिशन इन योर प्रिपरेशन, राइट? सो आपको ये सारी चीजें न्यूआंसेस समझनी होंगी. सो दिस इज अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फ्यू सब्जेक्ट्स. नाउ वी हैव 40 डेज, कैसे आप इन 40 to 45 डेज में लाइक यू कैन गिव, अभी आप दे सकते हो प्रीलिम्स के साथ, कैसे मीन्स को कवर कर सकते हो सो दैट आपका नाम इन द लिस्ट इंश्योर हो जाए, राइट? यू कैन नॉट जस्ट शिफ्ट ऑल द फोकस टुवर्ड प्रीलिम्स, बिकॉज एट द एंड प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, सो आई टेल यू अबाउट द स्मैश मेंस प्रोग्राम. सो स्मैश मेंस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट टेस्ट सीरीज, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बियॉन्ड दैट. वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि वी आर सेटिंग विद दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड मेंस ट्वाइस और थ्राइस, हु हैज गिवन मेंस, सॉरी, हु हैज गिवन मेंस ट्वाइस और थ्राइस, या ऑलरेडी इन द सर्विस है, या मेंस को मार्जिनली क्लियर कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है बट नॉट एबल टू मेक इट बाई अ मार्जिन, 400 वाला वो जीएस में नंबर नहीं आ रहा है. ऑल्सो देयर इज अ प्रोग्राम वी हैव फॉर स्मैश बिगिनर्स, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि यू डू नॉट हैव टू, आपको अपने, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि अपने 4 साल सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग में यही लगा देना कि मेंस रेडी होता क्या, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि मेंस रेडी होता क्या है. 4 साल अगर आपका उसी में लग गया, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, बेसिक रेफरेंस मटेरियल की लिमिटेशन क्या है, वॉट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू टू बिकम मेंस रेडी, PYQs को कैसे एनालाइज करना है. सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो स्नैक्स बिजनेस में हम डालते हैं ताकि उनकी तैयारी 1 से 1.5 साल के अंदर मेंस रेडी हो जाए. सी देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग, राइट? देयर इज अ प्रोसेस. तो यूपीएससी निकालने का भी प्रोसेस है. आपको अपने GS 1, 2, 3, 4 के नोट्स मेंस रेडी करने ही होंगे. पीपल हु आर गिविंग अटेम्प्ट्स अगेन एंड अगेन, उनका भी अभी रिसोर्स मटेरियल रेडी हुआ नहीं है एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम. दैट इज वाई आई एम टेलिंग दिस स्मैश मेंस प्रोग्राम इज बियॉन्ड टेस्ट सीरीज. वाई? बिकॉज नॉट ओनली वी डिस्कस कॉपीज विथ यू, इट इज नॉट जस्ट कि आपने कॉपी लिखा और इवेल्युएशन हो गया. वी विल बी सिटिंग विथ यू डिस्कसिंग योर होल शॉर्टकमिंग्स इन द पेपर, ठीक है? वी विल हाईलाइट योर शॉर्टकमिंग्स, एक्सपोज करेंगे उसको कि कैसे आपकी शॉर्टकमिंग्स हो रही है. वी विल टेल यू कि हाउ योर नोट्स आर. आई हैव टेकन वेबिनार कि जहाँ पे मैंने क्वालिटी ऑफ नोट्स और क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन योर आंसर कॉपी को डायरेक्ट कोरिलेशन बताया मैंने उसमें आपको. तो मैं आपके साथ वो भी हम बैठ डिस्कस करते हैं कि वेदर इफ यू आर नॉट राइटिंग गुड आंसर्स, लेट मी शो मी योर नोट्स, राइट? विल टेल यू कि कहाँ नोट्स में कमी आ रही है, बिकॉज इट इज द नोट्स दैट यू विल बी रिकॉलिंग एंड देन आप अपने आंसर को लिखते हो, राइट? सो दिस स्मैश मेंस प्रोग्राम इज बियॉन्ड दैट, राइट? सो इन माई लास्ट वेबिनार वॉट हैपेंड वॉज कि आई प्रोमिस स्टूडेंट्स टू गिव द PDF ऑफ दोज एक्सेल शीट एंड एवरीथिंग विच आई कुड नॉट डिलीवर, बिकॉज वो सारे जो व्हाट्सएप नंबर थे वो द स्टूडेंट्स हु सेंड देयर व्हाट्सएप नंबर वो मिसप्लेस हो गए. नाउ वॉट वी हैव डन इज कि वी हैव मेड अ टेलीग्राम ग्रुप बाय नेम ऑफ स्मैश मेंस बाय अरविंद सर. आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट, आप उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पे सारी PDF, इस क्लास की भी PDF जो हमने ये वेबिनार लिया है, ये भी PDF आपके साथ हम शेयर कर देंगे, और सारे रेफरेंस मटेरियल जो भी होंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी शेयरिंग ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप. ओके, सो दिस वॉज इट अबाउट वेबिनार. नाउ आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चन आंसर सेशंस.